गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दीक्षा गैल फ्रॉम सुनीता यूनिवर्सिटी। अपन चैप्टर 7 रीड कर रहे थे, अपना ग्रीन का फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था। आज इस चैप्टर के अपन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जहाँ पे एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है उनके कहलाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्पीसीज फाउंड ओनली पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, यानी कि सिर्फ एक ही, मतलब कुछ कुछ स्पीसीज ही जो बची है और वो उसी पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं कंगारू, कंगारू हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिल सकते हैं, वैसे ही तो उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एनिमिक स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट है माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि उनके ना क्लाइमेट में चेंज आ जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, इस वजह से वो दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर उनको वार्म एनवायरमेंट मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? The area reserved in a forest for protection of wild animal. यानी कि जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, उसके फॉरेस्ट के अंदर ही वो ऐसा एरिया कर देते हैं, तो उस एरिया को रिजर्व कर देते हैं किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल और प्लांट के लिए, यानी कि वो अलग से कोई जगह नहीं बनाते। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? द एरिया मैन फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया, यानी कि मतलब उस एरिया को बनाया जाता है किसके प्रोटेक्शन के लिए? किसी भी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए, या फिर जो मतलब निकलता है, यानी किसी, आपको इतना याद रखना है, किसी भी बायोडाइवर्सिटी जैसे कि प्लांट हो, एनिमल या किसी कल्चर को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, या फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो कल्चर होते हैं ना, जैसे अलग अलग कल्चर्स को भी, जैसे पुराने टाइप के कल्चर्स आते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर एन एग्जीबिशन, यानी कि जू सबको पता क्या होता है? जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल हैबिटेट में, यानी कि उनके लिए अच्छे से, मतलब जू अपन देखते ना, अपन खुद बनाते हैं जू को, ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी बना हुआ था, अपन खुद उसको आर्टिफिशियली डिजाइन करते हैं, उसके अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी बताता है अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट की तरह ही रहते हैं। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि जो खतरे में है, और एक्सटिंक्ट यानी कि जो खत्म ही हो गई है। द स्पीसीज ऑफ एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू सच ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, यानी कि उनकी जो स्पीसीज है इतनी कम हो गई है कि वो भी खत्म होने वाली है। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है? द स्पीसीज ऑफ एनिमल हुज नंबर इज जीरो बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर हैबिटेट एंड अदर क्लाइमेटीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो कि पूरी खत्म ही हो गई है। क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट में चेंज आया या फिर कुछ और रीजन की वजह से। फ्लोरा एंड फोना सबको इजीली पता है, फ्लोरा यानी कि फ्लावर्स एंड फोना यानी कि एनिमल्स। द प्लांट विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि ऐसा किसके बारे में बोला जा रहा है? प्लांट्स के बारे में, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा, जैसे कि जामुन, और या फिर कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और फोना द एनिमल विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एग्जाम्पल लैपर्ड, चीता, एक्सेट्रा। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉरेस्ट, तो इन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं। ट्रीज आर द हैबिटेट एज वेल एज द सोर्स ऑफ फूड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो जंगल है, जंगल में जो ट्री है वही एनिमल्स के लिए खाना भी है और वही उनके रहने की जगह भी है। डिफॉरेस्टेशन, अगर हम जंगल काट देंगे, लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल
हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि अगर अपन पेड़ों को काटते जाएंगे उससे जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत खराब चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तो सबको पता क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉपुलेशन लेवल ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि अगर अपन पेड़ों को काटते जाएंगे उस वजह से क्या जो टेम्परेचर है और जो पॉपुलेशन है उसका लेवल बढ़ेगा। इसलिए एनवायरमेंट विद द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, और क्या बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और ऑक्सीजन कम होगा। इट गिव राइज टू ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। इट ऑल्सो लोअर्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, इसकी वजह से जो पानी होता है जमीन में, जो पानी होता है वो भी खत्म होता है या फिर कम होता जाता है। मोर ओवर इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी एंड सो इंक्रीज द चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि डिफॉरेस्टेशन अगर अपन पेड़ों को काट देंगे तो उसकी जो सॉइल है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी तो वैसे और भी कुछ कुछ जो अपन को जो इन्वायरमेंट को हार्म करती है वैसे नेचुरल कैलामिटीज आते रहेंगे, जैसे कि फ्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, जो जमीन है सूख जाएगी, ऐसे ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे। विलेजेस यानी कि जो रूरल एरिया है उसको बोलते हैं विलेजेस, और जो अर्बन एरिया है उसको बोलते हैं सिटीज। द डिक्लाइन इन रेनफॉल, द डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड द चांसेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट द विलेज लाइफ। अगर अपन डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो बारिश की कमी होगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होगी और नेचुरल डिजास्टर की चांसेज आने की चांसेज ज़्यादा हो जाएंगे। सिटीज में डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, सिटीज में क्या होता है पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो अगर अपन पेड़ों को काटेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी। इट ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, हेंस डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द लाइफ इन सिटीज। फिर नेक्स्ट है अर्थ। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, से क्या होगा पेड़ काटेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिससे सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। ऑल दीज चेंजेस रिजल्ट इन डिजर्टिफिकेशन, यानी कि सारी चेंजेस आएंगे उस वजह से क्या होगा, रेगिस्तान बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन विल मेजरली अफेक्ट द लाइफ टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अगर पेड़ को अभी काटेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है उसपे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। द नेक्स्ट जनरेशन विल फेस प्रॉब्लम एट एवरी स्टेप, हर स्टेप उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, यानी कि क्लाइमेट में चेंज आएगा, दे विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड, पेड़ों को काटने की वजह से खाने में कमी आएगी, एंड क्लीन इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट क्लीन रहता है पेड़ों की वजह से वो भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन वॉन्ट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को भी नहीं देख पाएंगे जिसको भी अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, यानी कि अपन पेड़ों को काटते जाएंगे तो क्या होगा, द ट्रीज विल इंक्रीज, सॉरी द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू ग्रेटर एक्सटेंट, अगर अपन पेड़ों को काटते जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत बढ़ता जाएगा। The chances of natural disasters to occur will increase, यानी कि जो natural disaster होते हैं जैसे कि फ्लड आना या फिर ड्रॉट होना, इनका भी नंबर इंक्रीज होता जाए। The water cycle will get disturbed, जो वाटर जो पानी की साइकिल, ऑब्वियसली सबको पता है अगर पेड़ होते हैं जहाँ पे प्लांट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा आती है, अगर प्लांट कम होंगे तो बारिश भी कम आएगी। The habitat of an animal is disturbed, यानी अगर एनिमल को ना डिस्टर्ब करें, हैबिटेट को डिस्टर्ब करें तो क्या होगा, द एनिमल विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट एंड विल रीच द लेवल ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड, यानी कि अपन एनिमल के हैबिटेट को चेंज करेंगे या फिर को डिस्टर्ब करेंगे तो जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में चले जाएंगे, यानी कि खत्म होने की तादाद पे चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मे बी फोर्स्ड to invade places meant for human living in search of food and shelter, क्या होंगे जो एनिमल्स अगर अपन जंगलों को काटते जाएंगे, ऑब्वियसली अगर अपन पेड़ों को काटेंगे जंगलों को काटेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो खाने को ढूंढते ढूंढते ह्यूमन की लाइफ में खाने को ढूंढते ढूंढते जो यहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे आना स्टार्ट
करेंगे। इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज, अगर जो जो सॉइल की जो ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो हट जाएगी तो क्या होगा? द एक्सपोज लेयर विल लूज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब टॉप मोस्ट लेयर में होते हैं, स्पेशली द ह्यूमस, जब सबसे ज्यादा नमी कहाँ होती है? सॉइल के ऊपर वाली लेयर में। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज, जो पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वो भी खत्म होने ही लगेगी। डेजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस, यानी कि धीरे धीरे वो मिट्टी क्या किसे बनती जाएगी रेगिस्तान में, यानी कि मिट्टी सूखती जाएगी, सूखते सूखते पूरा एरिया सूखेगा, वैसे ही वो पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। सबसे फर्स्ट क्या है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हमें बायोडायवर्सिटी कंजर्व क्यों करना चाहिए? द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, और पे बहुत टाइप की वैरायटी रहती है। द रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज रेफर टू एज बायोडायवर्सिटी, यानी कि उनके जो भी रिलेशंस होते हैं चाहे अंदर वाले या बाहर वाले, वो किससे रिलेट करते हैं? बायोडायवर्सिटी से। वी शुड कंजर्व बायोडायवर्सिटी सो एज टू मेंटेन द फूड चेन, और उससे अगर अपन बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करते रहेंगे तो फूड चेन भी मेंटेन रहेगी, यानी कि अपन एक एनिमल खत्म हो जाएगा तो उस एनिमल तो जो दूसरा एनिमल था जो वो जिसका फूड था, यानी कि जब अपने रैट को सारे रैट मर गए तो ईगल है, ईगल का खाना क्या होती है? रैट होती है, स्नेक होती है, तो ऐसे से फूड चेन क्या होती जाएगी? खराब होती जाएगी। तो डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन में अफेक्ट द होल इकोसिस्टम, यानी कि थोड़ा सा भी फूड चेन में इफेक्ट पड़ा तो पूरे इकोसिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, क्यों? वाइल्ड क्यों होता है? जो भी है ना अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं एनिमल्स के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्ट मतलब सेफ नहीं है एनिमल्स के लिए, क्यों? सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल बाय पोचर्स इज स्टिल रैम्पेंट इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एरिया, मतलब कि ना मतलब मना कर दिया था कि एनिमल्स को पकड़ना नहीं है या फिर उनको मारना है, लेकिन फिर भी इसके बाद में भी कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं। सो दे आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो जगह सेफ नहीं है। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाँ कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो जंगल में ही रहते हैं, जो लोग होते हैं वो ना पूरे जंगल पर डिपेंड कैसे करते हैं? सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ चलने के लिए उनको जो नीड नीड होती है, जो जरूरत होती है, उनके फॉरेस्ट से ही कम्प्लीट होती है, जैसे कि वो खाना, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा, वो सारा उनका काम क्या होता है? फॉरेस्ट के अंदर ही होता है। वॉट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब अपन डिफॉरेस्टेशन होगा उसके कॉजेस क्या होंगे और कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन मे बी फॉलोइंग, नेचुरल कॉज लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एक्सेट्रा, मतलब जो नेचुरली होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, ये भी एक कॉज है, पोचिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, यानी कि अपन डिफॉरेस्टेशन को क्यों करते हैं, जंगलों को क्यों काटते हैं, ये सारे मैथड हैं, यानी कि अगर फैक्ट्रीज बनाने के लिए लोग काटते हैं, घर बनाने के लिए काटते हैं, लैंड को कल्टिवेट करने के लिए, जगह बनाने के लिए वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, लकड़ियों के लिए वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है? नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड एक्सेट्रा, डिफॉरेस्टेशन जंगल को काटते जाएंगे तो क्या क्या होगा? फ्लड आएगा, या फिर ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी जमीन के अंदर से, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारे प्लांट और एनिमल की कमी होती जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप रिकॉर्ड ऑफ फॉर ऑल एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, यानी जो एनिमल्स खत्म होने वाले हैं सबके रिकॉर्ड, एनिमल और प्लांट के रिकॉर्ड इस रेड डाटा बुक में होता है। फिर सिक्स क्या दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइग्रेशन, माइग्रेशन से आप क्या समझते हो? माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू दिस अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी माइग्रेशन क्या होता है? अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाना, दूसरे प्लेस में जाना
पूरे साल में थोड़ी थोड़े टाइम के लिए, ताकि ब्रीडिंग कर सके, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके, और क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज की डिमांड हो रही है एंड फॉर शेल्टर शेल्टर के लिए या फिर ट्रीज के लिए, और बीन कंटिन्यूटली कट, इट इज जस्टिफाइड टू कट ट्रीज, मतलब अगर तुम किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप उसके लिए पेड़ों को काटोगे। डिस्कस एंड प्रिपेयर ब्रीफ रिपोर्ट, आप इस पर डिस्कस करो, एक रिपोर्ट बनाओ। इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज जस्ट टू फुलफिल अवर नीड्स, यानी कि सही तरीका नहीं है पेड़ों को काटना अपनी नीड्स के लिए। ट्रीज आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ, यानी ट्रीज को क्या समझा जाता है, अर्थ का लंग। दे आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स, दे गिव अस ऑक्सीजन एंड मेंटेन द ओ2 एंड CO2 बैलेंस एज वेल, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता रहता है। दे फर्मली बाइंड द सॉइल एंड हेंस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो सॉइल सॉइल को यानी मिट्टी को बांध के रखते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो। दे ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट, ये ना बाहर आने की या फिर सूखा होने का, उसको भी चांसेस को कम करते हैं। दे हेल्प टू कंजर्व अवर रिच बायोडाइवर्सिटी, ये किसमें हेल्प करते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को अच्छा बनाने में। द कटिंग ऑफ ट्री कॉजेज एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, मोर ओवर इट कॉजेज सॉइल इरोजन, फ्लड, द ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा, हेंस ट्रीज आर मस्ट टू बी प्रोटेक्टेड, इसलिए जो ट्रीज होते हैं उनको हमें बहुत अच्छे से बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय, यानी कि आपके आप जहाँ रहते हो उसके आसपास के एरिया में ग्रीन ग्रीनरी करने के लिए आप क्या क्या हेल्प करोगे, आप कैसे मेंटेन करोगे। बाय टेकिंग द फॉलोइंग एक्शन आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ माई लोकेलिटी बाय प्लांटिंग सैपलिंग एंड ट्री, यानी कि ट्रीज को लगाना और पौधे लगाना, नॉट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, कचरा नहीं फैलाना, फॉरवर्डिंग अदर टू कट ट्रीज, दूसरे कोई लोग प्लांट्स को काट रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं उनको मना करना या रोकना, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट, लोगों को जागरूक करना सफाई रखने के लिए और प्लांट लगाने के लिए, वॉटरिंग द प्लांट रेगुलरली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ दैम, रीयूजिंग एंड रिसाइक्लिंग पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर एट, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन नीड टू रिड्यूस रेनफॉल, यानी कि अगर पेड़ को काटेंगे तो बारिश कम कैसे हो जाएगी। ट्रीज गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर जो पानी है वो वाटर वेपर के पेपर में उड़ता है, यानी कि सनलाइट की एनर्जी से जो प्लांट के अंदर जो पानी होता है वो एज अ वाटर पेपर निकलता है। द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन, यानी कि अगर वाटर वेपर कम निकलेगा, जो पानी है प्लांट्स से कम निकलेगा, वेपराइजेशन कम होगा तो ऑब्वियसली क्लाउड्स भी कम फॉर्म होंगे एंड दस रिजल्ट इन लेस लेस रेनफॉल, इससे क्या होगा, बारिश कम रहेगी। फाइंड आउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकल ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, कोई मैप लेना है इंडिया नेशनल पार्क का, उसको आपको कॉपी में स्टिक करना है। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाई शुड पेपर बी सेव, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, आपको पेपर क्यों सेव करना चाहिए, आप एक लिस्ट बनाओ जिससे आप पेपर सेव कर सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ ट्री कैन बी सेव बाय सेविंग पेपर, मतलब बड़ा सा ट्री को आप सेव कर सकते हो अगर आप एक पेपर को सेव करो। दिस विल ऑल्सो सेव वाटर दैट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर पेपर, अगर आप जो पेपर बनाने के लिए जो पानी की जरूरत पड़ती है वो भी क्या होगा, सेव होगा। द हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल शो देयर लीस्ट, यानी जो केमिकल्स होते हैं वो भी कम यूज होंगे और ह्यूमन बींग और जो इफेक्ट पड़ता है उन केमिकल्स का ह्यूमन बींग में तो वो भी कम होने लगेगा। Some ways to save paper are the following: recycling of paper, economical use of paper,
पीपल शुड नॉट बी बर्न, इसको जलाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नोटबुक में नहीं कर, सॉरी 11 नोटबुक में नहीं करना है, 10 तक ही आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए जो भी मैंने आपको नोटबुक में करवाया क्वेश्चन आंसर्स करवाया, उसका अच्छे से नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।